हाय मॉमीज एंड डैडीज और वुड बी मॉमी एंड डैडीज। सो आज के मेरी इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ बेस्ट बॉडी लोशन फॉर न्यू बॉर्न। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स के बॉडी लोशन अवेलेबल हैं, आप जिस भी ब्रांड का चाहो उस ब्रांड का ले सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है उनके इन्ग्रीडियंट्स पे और आपके बच्चे की बॉडी पे कि आपकी बच्चे की बॉडी कैसी है और उस पर क्या सूट करता है क्या नहीं। सो आप चाहो तो सीबामेड, चीकू, जॉनसन एंड जॉनसन और डव के भी आते हैं, तो आप जिसका भी चाहो उसका आप बॉडी लोशन बेबी के लिए यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पर जो पर्सनली जो मैंने अपने बेबी के लिए यूज़ करा है और मेरे लिए जो उसका एक्सपीरियंस रहा है वो बेस्ट से बेस्ट रहा है। मतलब जब से वो बॉर्न हुआ है तब से लेकर के मैं अभी तक उसके लिए यूज़ कर रही हूँ और मुझे अभी तक कोई भी उसको लेकर के प्रॉब्लम या कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिला है। और यहाँ पर मेरा थोड़ा बेबी की आवाज़ आ रही है तो उससे आप थोड़ा सा बेयर करना क्योंकि अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो मैं आप लोगों को उससे मिलवा देती हूँ। रुकना लाओ दो ये है मेरा प्यारा सा छोटा सा गुबलू। हेलो बोलो सब लोगों को, हेलो बोलो। और मैं इसके लिए अभी तक वो सारे प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ तो कि मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर में दिखाऊंगी, पहले से आप लोग मिल लो। ये तो इसका फेवरेट है। इससे तो ये बहुत खेलता है, ये तो इसका फेवरेट है, इससे बहुत खेला ना ये। चलो अब जाओ, चलो जाओ बाय। तो यहाँ पर जो मैं अपनी बेबी के लिए बॉडी लोशन यूज़ करती हूँ वो है ये हिमालय का जेंटल बेबी बॉडी लोशन। सो अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आप लोगों को पता होगा मैंने एक हिमालय की एक किट ली थी जिसमें बहुत सारे उसमें बेबी के प्रोडक्ट थे, बट उसमें से कुछ चीज़ें मुझे सही लगी जो मैंने यूज़ करी, बट उसमें से कुछ चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा वर्स्ट थी जो कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा है। सो ये ऐसा है जो मुझे काफ़ी अभी तक सही लगा है, मतलब जब से मैंने इस्तेमाल किया इसके लिए, जब से ये बॉर्न हुआ है तब से मैं ये यूज़ कर रही हूँ और अभी तक मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही लाइट वेट है, अच्छा खासा मॉइस्चर बेबी की स्किन पे हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, वैसे बेबीज़ की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होती है, हल्की सी ही होती है, नहलाने के बाद उनको ऐसा हल्की सी ड्राइनेस फील होती है। सो मुझे लगता है कि ये बेस्ट होगी और इसको मैं अपने फेस पे भी यूज़ करती हूँ। तो जब भी कोई चीज़ मैं इसके लिए यूज़ करती हूँ उसको पहले मैं खुद पे अप्लाई करके देखती हूँ। तो सो इसको तो मैं फेस पे अपने अभी भी इस्तेमाल करती हूँ। सो ये इतनी बड़ी बॉटल आती है, अगर आप चाहो तो इसको अलग से भी परचेज कर सकते हो और किट में भी आपको मिल जाती है। सो ये 100 ml की है और इसकी प्राइसिंग है 85 rupees, काफ़ी अफोर्डेबल भी है, तो आप इसे आराम से अफोर्ड कर सकते हो और काफ़ी अच्छा काम करती है। और ये इसमें अगर मैं बात करूँ इसमें मतलब इन्ग्रीडियंट्स की, तो ये इसमें मिनरल ऑयल, सिंथेटिक कलर्स और पैराबेन फ्री है और ये क्लिनिकली टेस्टेड भी है। और साथ ही साथ में इसमें आमंड एंड ऑलिव ऑयल भी है जो कि बेबी की स्किन को काफ़ी नरिश एंड सूथ करता है। और साथ ही साथ में इसमें आपको 2 ईयर की इसकी सेल्फ लाइफ भी मिल जाती है। सो मैंने यहाँ पर ये मेरी ये सेकेंड परचेज है, आप देख सकते हो। सो आपको थोड़ा थोड़ा पता लग रहा होगा ये पूरी खाली हो चुकी है, ये पूरी खाली हो चुकी है और क्योंकि ये भी रिसेंट ये खाली हुई है। और ये मैंने अभी ये न्यू मंगाई है क्योंकि ये मेरी किट में थी तो मैं इसको अभी तक यूज़ कर रही थी और फिर इसके ख़त्म होने के बाद मैंने ये अलग से परचेज करी है जो कि ये फुल है अभी, तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ओ सेट, तो ये कुछ इस तरह की आती है जो लोशन होते हैं
कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी है, आप देख सकते हो थोड़ी सी रनी है तो इसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा ठीक नहीं क्योंकि ये एक लोशन है और इसमें आपको एक अच्छा खासा नरिश मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ इसकी स्मेल की, तो इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा हार्श नहीं है, जैसा कि आपको किसी भी बेबी प्रोडक्ट्स में आपको किसी भी चीज़ की फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा हार्श नहीं मिलेगी। अगर वो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं तो उनकी फ्रेगनेंस बहुत ही माइल्ड होती है, जो कि थोड़ी देर में डिजॉल्व भी हो जाती है। सो इसका परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा इसको लेकर के वो बेस्ट रहा है, मेरे लिए काफ़ी अच्छा वर्क किया है इसने। सो अगर आप भी ट्राई करना चाहो तो इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। सो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन ताकि मेरे जब भी कोई न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों को मेरे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो माय इंस्टाग्राम हैंडल इज दिव्या स्टाइल्स। और मैं मिलती हूँ आप लोगों को मेरे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।